जबलपुर के आदर्श नगर में रहने वाले जिम संचालक अमित भसीन ने अपने घर पर काम करने वाली एक महिला और उसके पति पर 35 लाख रुपए चोरी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें अपने घर पर बंधक बना लिया। जिम संचालक ने पति पत्नी को धमकी देते हुए कहा कि अगर रुपए नहीं दिए गए तो उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की जाएगी। डरे सहमे परिवार ने सतना के सुरदहा गांव की पैतृक जमीन को बेचकर जिम संचालक को 15,50,000 रुपए दिए। इसके बाद भी जिम संचालक पीड़ित परिवार की 4 एकड़ जमीन को जिम संचालक ने अपने नाम करवा लिया। किसी तरह जिम संचालक के चंगुल से छूटकर आए पीड़ित परिवार ने गोरखपुर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सतना जिले के सुरदहा गांव के निवासी कृष्णा द्विवेदी अपनी पत्नी लक्ष्मी और बच्चे के साथ रोजगार करने कुछ माह पहले जबलपुर आए। जबलपुर आकर कृष्णा आदर्श नगर में डिस्क का काम करने लगा, जबकि उसकी पत्नी को जिम संचालक अमित भसीन के यहाँ नौकरी मिल गई। कृष्णा और उसकी पत्नी जिम संचालक अमित भसीन के बगले के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगे। कृष्णा ने बताया कि अक्सर देर रात तक अमित भसीन के घर पर पार्टी चला करती थी। हम लोग बीमार भी रहे, इसके बाद भी काम करना पड़ता था। हाल ही में अमित भसीन ने मुझ पर और मेरी पत्नी पर चोरी का आरोप लगाया और हमारे घर की तलाशी भी ली। उनका कहना था कि मैंने और मेरी पत्नी ने उनके घर पर रखे 35 लाख रुपए चुराए हैं, जबकि उनके घर के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कृष्ण कुमार ने बताया कि जिम संचालक अमित भसीन और उनकी पत्नी ने धमकी दी थी कि कहीं से भी किसी कीमत में हमारे 35 लाख रुपए लाकर दो। पीड़ित ने बताया कि वह और उसकी पत्नी बच्चों की कसम खाकर कह रहे थे कि उन्होंने रुपए नहीं लिए, पर वह लोग नहीं माने। पीड़ित ने बताया कि पत्नी को अपने घर पर ही बैठा लिया और तब वह अपने गांव जाकर जमीन बेचकर उन्हें एक मरतबा 9,50,000 और फिर 6 लाख रुपए दिया। इसके बाद भी उन्होंने 4 एकड़ जमीन पर जबरन एग्रीमेंट करवा लिया। पीड़ित ने बताया कि लोगों को धमकी भी दी गई थी कि अगर ज्यादा बोलोगे तो जान से खत्म कर दिए जाओगे। कृष्ण कुमार की पत्नी लक्ष्मी द्विवेदी ने बताया कि उसे घर बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। हमेशा जिम संचालक अमित भसीन के परिवार के द्वारा डराया जाता था कि पुलिस में हमारी बहुत पहचान है, तुम पर किसी भी तरह का आरोप लगाकर बदनाम करवा देंगे। लक्ष्मी द्विवेदी ने बताया कि अगर उन्हें अपने गांव भी जाना होता था तो बड़ी मुश्किल से जाने दिया जाता था। इसके बावजूद भी रोजाना फोन करके पल पल की जानकारी हमसे हमारी ली जाती थी। ऐसा लगता था जैसे इनके घर में हम काम करने वाले नहीं बल्कि बंधक बनकर रह गए हैं। कृष्ण कुमार द्विवेदी और लक्ष्मी द्विवेदी की शिकायत पर गोरखपुर थाना पुलिस ने जब इस पूरे घटनाक्रम की जांच की तो पता चला कि पति पत्नी पर 35 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगाया गया। गोरखपुर थाना प्रभारी SPS बघेल ने बताया कि चूंकि रकम बहुत ज्यादा है और घर के चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे में इनका इतनी बड़ी रकम को कैसे ये ले गए, इस पर भी संदेह हो रहा है। गोरखपुर थाना प्रभारी ने बताया कि जब CCTV के DVR को लेकर जिम संचालक अमित भसीन से पूछा तो उन्होंने खराब होना बता दिया। गोरखपुर थाना प्रभारी SPS बघेल के मुताबिक जिम संचालक अमित भसीन ने कृष्णा और लक्ष्मी द्विवेदी के खिलाफ चोरी की जहां शिकायत दर्ज करवाई है, वहीं जिम संचालक अमित भसीन के खिलाफ भी कृष्ण कुमार और उनकी पत्नी ने जमीन हड़पने और अभद्रता करने की शिकायत थाने में दी है। अमित भसीन को इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया जा रहा है, पर वह नहीं आ रहे हैं। बहरहाल दोनों ही पक्ष की शिकायत लेकर इस पूरे घटनाक्रम की जाँच की जा रही है। अब इन्होंने मेरे को चोरी तो साथ में लगाया ही, बोले चोरी के साथ अगर तुम मेरे को 10 लाख और देते हो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। मैं अपने गांव जाके सर 10 लाख की जमीन बेचा, भैया को पैसे लाके जिम के अब वहीं पे उनके कमरे पे दिया। कभी कोई टाइम नहीं रहता था, सुबह से जाते रात में, कभी 1 बजे बुलाते, कभी 2 बजे पार्टी होती थी, दारू वारू पीते थे और बुलाते थे। हम नहीं जाते थे तो बोलते रहे कि हम पाल के ऐसे नहीं रखे हैं, कहीं जाने को नहीं मिलता रहा। बोलते रहे कि घर से बाहर जाओगे तो गोली मार। भसीन ने इनकी पूरी जमीन जो सतना जिले में सुरदहा गांव की है, एक एग्रीमेंट कर लिया।